सॉरी पंक्ति, तुम्हारे साथ रिहर्स नहीं कर पाया। कोई बात नहीं यार, जो तुमने किया वो भी इम्पोर्टेंट था, और रिहर्सल का क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है। मुझे बचाओ, मुझे प्लीज बचा लो। ये सब क्या, किसने किया ये सब? मुझे तो बस लोगों ने यूज किया है जैसे मैं कोई चीज हूँ, पर एक्चुअली गलती मेरी है। मैंने उसे बोला था कि प्यार के लिए मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा। पंक्ति ये देखो केके ने क्या किया। तुम सोच भी नहीं सकती रंगोली क्या कुछ कर सकती। वो अहान के साथ तब तक अच्छी रहेगी जब तक अहान उसकी बात मानेगा। एक बार अहान उसे ना कहेगा तो अहान पे भी वही इल्जाम लगाएगी जो उसने मुझ पे लगाया, विवेक पे लगाया और कई औरों पे लगाया। बच के रहना। हे गाइस, लाइव चैट के लिए ऑनलाइन आ रही हूँ। अपने विशेस, कमेंट्स, क्वेश्चंस लेके प्लीज ज्वाइन करिए। थैंक गॉड हैशटैग अहंती कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं हुआ। मैंने मंदिर में विश मांगी थी इसीलिए। अहान इज सो क्यूट, उसको प्लीज मेरी तरफ से हेलो बोलना। ऑल द बेस्ट पंक्ति। थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों के विशेस चाहिए। कल मैं द रंगोली के साथ गाना गाने वाली हूँ, थोड़ी नर्वस हूँ। रॉकेट रंगोली पंक्ति एंड अहान, ये कॉन्सर्ट होगा महान। तुम नर्वस मत हो, तुम बहुत अच्छी सिंगर हो। रंगोली से बचकर रहना। रंगोली से बचकर रहना, इसको डायरेक्ट मैसेज करती हूँ। मतलब नहीं नहीं, आप रंगोली को जानते हैं? नहीं नहीं,
विवेक, विवेक सॉरी गाइस, बाय कहना होगा। कलांती के प्यार को आपकी जरूरत है, दिल खोल के देना। विवेक अवस्थी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फोन नंबर ये क्या कर दिया पंक्ति, किसी स्टॉकर को अपना नंबर दे दिया। हेलो, दरवाजा खुला है, आओ। आइए बैठिए। विवेक अवस्थी, पंक्ति कहाँ? पता नहीं, सुबह घर से जल्दी निकल गई थी। कह के गई है कि यहाँ डायरेक्टली मिलेगी। हाँ, पर तू पंक्ति के बिना कैसे रियाज करे? मैं हेल्प कर सकती हूँ। आपने रंगोली को हैरेस क्यों किया था? नहीं, उसने इल्जाम यही लगाया था मुझसे छुटकारा पाने के लिए। यार भी कितनी अजीब चीज होती है ना पंक्ति, कभी किसी के लिए सब कुछ हो जाती है पर कभी किसके लिए काफी नहीं होता। शायद रंगोली के लिए मेरा प्यार काफी नहीं पड़ा। पता है पंक्ति, वो मुझे प्यार से विकी बुलाती थी और जब जेल भेजा तभी भी विकी कहकर ही बुलाती थी। रंगोली, तुम्हारा स्टॉकर यही है। विकी, डोंट वरी, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। आप रंगोली का पीछा क्यों कर रहे थे? ओके, सोचो कि मैं पंक्ति हूँ, अब रिहर्सल स्टार्ट करें। I mean, obviously, मैं पंक्ति कैसे हो सकती हूँ? मेरा मतलब है तुम्हारी कोसिंगा। अब हम शुरू कर सकते हैं? कॉन्सर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ, ये सही कह रही है। पर उदय, पंक्ति, उसके तो रिहर्सल्स भी नहीं हुए। ड्यूएट परफॉर्मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है केमिस्ट्री, और अहंकी को उसकी रिहर्सल की क्या जरूरत। दोनों साथ में खड़े होंगे, केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट? तो चलो शुरू करते हैं, टाइम नहीं है। मैं और रंगोली का पीछा? लगता है वो मुझे फिर से लेकर कहानियां बना रही। रंगोली ऐसा क्यों करेगी? विक्की अगर चल नहीं सकता तो फिर रंगोली को स्टॉक कौन कर रहा है? और कल रात को मेरा पीछा कौन कर रहा था? मुंडो में आज
गरजे ये बादल भीगा तेरा चल छुए मेरे जज्बातों को यूं कोई गलती हुई है क्या ये तो हैशटैग आहान भी कौन सकते क्या लेकिन बस प्लीज बोलिए सर अरे हमने पैसा दिया इसका सर आप लाइन में आइए अरे लेकिन बोलिए आप लाइन में आइए अरे लेकिन हमने पैसा दिया बताता हूं पीछे तुम्हारा काम कर लिया एक गर्लफ्रेंड का भी और आहान की को सिंगर का भी मैंने ड्यूएट की फुल रिहर्सल करवा दी अब तुम दोनों रिहर्सल करो कहां रह गई थी इतना कम टाइम बचा परफॉर्मेंस में आहान वो चल आहान बेचारी ऑलरेडी स्ट्रेस लग रही है अब तुम दोनों सिर्फ रिहर्सल पे फोकस करो मैं जाके अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करती हूँ विष्का यस मैम मेरी ड्रेस अरेंज हो गई है जी मैम कूल सी यू गाइस लेटर चलो पंक्ति ये तो आहान और पंक्ति का शो है पोस्टर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रंगोली का लगता है ऑर्गेनाइजर्स को अकल आ ही गई कि टिकट्स किसके नाम से बिकने वाली हैं मेरा फैसला सही था रंगोली को एमडी का फेस बनाने का कभी किसी और के बारे में भी सोच सकते हो पता चल रहा है ये सब किसने किया है पापा आप किसी ट्रस्टी से बात कीजिए ना देखो भंगति अभी और प्रैक्टिस करनी होगी गाने में कुछ चेंजेस हुए जो रंगोली ने सजेस्ट किया बहुत औसम है पहले हम अंतरे के बाद अंतरा गा रहे थे अब हम एक लाइन के बाद अंतरा गाएंगे तो और भी ऑसम लगेगा पर आहान ये पोस्टर कैसे चेंज हो गया वेलकम वेलकम नराजगिर जी श्रीवास्तव जी रंगोली इस शो का सिर्फ हिस्सा बनने वाली थी हाँ ना जी तो फिर आपको ये होर्डिंग्स देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शो रंगोली का है ये शो आहान और पंक्ति का है
जल्द से जल्द ये पोस्टर्स हटवाइए वरना आहान शो नहीं करेगा। पर मैं तो इसका कोई आइडिया नहीं था और स्टैनली मेकर को जो बनाने को दिया गया होगा वही उसने बनाया होगा। नहीं, हमने डिजाइन नहीं दिए। नहीं सर, हमने तो बिल्कुल वैसा डिजाइन बनवाया था जैसा हमें कहा गया। क्यों? पर इसमें गलत क्या है? अच्छा ही तो है, ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। आखिरकार रंगोली आहान और पंक्ति से बड़ी स्टार है। हाँ, मैं बड़ी स्टार हूँ। मैं बड़ी स्टार हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्सर्ट का नाम ही बदल दें। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रंगोली द स्टार, रंगोली द ब्रांड के आगे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। कम से कम मेरी मर्जी क्या है ये तो पूछ लेते। जहां भी जाते ये स्टार का बैगेज पीछे आ जाता है। कभी रिबिंग कटिंग के लिए भी जाओ तो बिना पूछे पोस्टर्स लगाए जाता। अगर ये पोस्टर्स नहीं उतारे तो मैं ये कॉन्सर्ट नहीं करूंगी। पर अभी ये सब कैसे बदल सकते हैं? क्या हुआ? प्लीज दीदी, ये कॉन्सर्ट कैंसिल मत करना, नहीं तो हमारा हॉस्पिटल छीन जाएगा। हॉस्पिटल को कहीं भी नहीं जाने देंगे। आहान, हमें क्यों भूल रहे हैं कि हम ये कॉन्सर्ट क्यों कर रहे हैं? इन बच्चों के लिए। हमें किसी होर्डिंग से नहीं बल्कि हॉस्पिटल को बचाने से मतलब होना चाहिए। सही कह रही हो पंक्ति। कोई बात नहीं रंगोली, जिद छोड़ दो। ठीक है, तुम कहते हो तो। पंक्ति, वाओ, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। आपकी जगह वहां पे। पहले अपनी जगह देख लो पूरा, फिर लोगों को उनकी जगह दिखाना। ऋचा, तुम पंक्ति की फ्रेंड हो इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन एक बार विक्रम से पूछ लेना कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया और किस लिए किया। ऋचा पूर्वा, ये जगह नहीं है ये सारी बातें करने की। पर मॉम, इसकी वजह से हम सबकी लाइफ बर्बाद हो रही है। कायरा, और इस सब की शुरुआत किसने की थी? याद दिला दूं? देखिए ना आपके फ्रेंड। चलिए, अब मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई सीन बने। उस दिन पार्टी में तो आपने सीन बना ही दिया था। अब मैं जल्दी ही सीन बनाऊंगी। पंक्ति, तुम्हारी रिहर्सल ठीक से हुई कि नहीं? इतना सारा काम करना है, अब ये वाला पार्ट गाने का चेंज हुआ है और ये वाला ऐड भी करना है, हो जाएगा ना सब कुछ? इतना सारा काम। आहान, तुम हो ना मेरे साथ तो सब कुछ हो जाएगा। पंक्ति, इस कॉन्सर्ट का हिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो तुम्हारा करियर होगा सुपर हिट होगा। वाओ, इतनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हें तो गाने की जरूरत ही नहीं है, लोग तुम्हें देखते ही कॉन्सर्ट हिट करवा देंगे। मैं भी तो देखूं मेकअप ठीक से हुआ है कि नहीं। हुआ तो है, लेकिन तुम्हारे पसीने की वजह से ना सब गंदा हो जाएगा। छी, जाओ आना।
जाके रेडी हो जाओ, कॉन्सर्ट का टाइम होने वाला है ना।